क्रिकेट के नए नियमों को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल न भूलें और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। क्रिकेट में मांग टिंग के जरिए बल्लेबाज को आउट करना अब खेल भावना के खिलाफ नहीं माना जाएगा। NCA ने क्रिकेट से जुड़े इस नियम में बदलाव कर दिया है। इसके साथ ही क्रिकेट में अक्सर होने वाली ये बहस भी खत्म हो जाएगी कि मांग टिंग खेल भावना के अनुरूप है या खिलाफ। आपको बता दें कि आर अश्विन का मांग टिंग से गहरा नाता है। IPL 2019 में आर अश्विन ने जोस बटलर को मांग टिंग आउट किया था, जिसे लेकर खूब विवाद हुआ था। उस समय अश्विन पंजाब किंग्स की ओर से गेंदबाजी कर रहे थे, जबकि बटलर राजस्थान की ओर से बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। लेकिन अब नया नियम आने से कोई विवाद नहीं होगा, क्योंकि MCC ने मांग टिंग को रन आउट की कैटेगरी में रख दिया है। अश्विन ने IPL में राजस्थान रॉयल के विकेटकीपर बल्लेबाज को जब मांग टिंग के तहत आउट किया था, उस समय इस पर खूब चर्चा हुई थी। कुछ लोगों का कहना था कि खेल भावना के विपरीत है, जबकि कोई अश्विन के सपोर्ट में भी सामने आए थे। लेकिन अब सभी विवादों पर ध्यान लगाते हुए MCC ने मांग टिंग को लीगल कर दिया है और अब उसे रनआउट की कैटेगरी में डाल दिया है। तो अब आपको बताते हैं कि मांग टिंग नियम है क्या। अगर नॉन स्ट्राइक का बैटर गेंदबाज के गेंद फेंकने से पहले क्रीज छोड़ दे और गेंदबाज गेंद फेंकने की बजाय गिल्लियां गिरा दे, तो उसे मांग टिंग कहा जाता है। इस सूरत में नॉन स्ट्राइकर के बैटर को आउट करार दिया जाता है। क्रिकेट में ये नियम आज भी लागू है। इस नियम के लीगल होने पर सहवाग ने ट्विटर पर अश्विन के साथ मजे लिए। आपको बता दें कि ट्विटर पर सहवाग ने ट्वीट किया, आपको बधाई अश्विन, आपके लिए ये सप्ताह शानदार रहा। पहला ये कि आप भारत के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन गए और अब बटलर के साथ इस तरह से रनआउट की प्लानिंग करने की पूरी आजादी है, एक करना जरूरी। हालांकि इस पर अश्विन का अभी कोई रिएक्शन नहीं आया है, लेकिन जो भी हो, अश्विन की वजह से एक बार फिर मांग टिंग विवाद को हवा मिली और अब MCC ने इसको लीगल कर दिया है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल न भूलें और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।